सर एक सवाल है, आज असली प्लस वेलनेस में जितने भी अच्छे हैं मैक्सिमम लोग फ्रेशर हैं, और दूसरा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले से किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे, लेकिन वजह क्या है कि एक लंबे टाइम तक एक डायरेक्ट सेलिंग ने दूसरी कंपनी में किसी भी अदर कंपनी में काम करने के बाद वो कामयाबी नहीं ले पाया जिसके कंपेयर 6 महीने के अंदर वो यहाँ पे अपना वजूद बना पाया और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना पाया, ऐसा क्या है? देखिए सबसे पहले तो किसी भी कंपनी में जो काम करते थे ना, मैं वो कहूंगा जो झोलर कंपनी है जिनका मतलब हिसाब किताब ही हवा बेचने का है ना, उनके लिए लोग सावधान हो जाएं। भाई मैं एक बात कहता हूं, पैसे ही कमाने हैं ना तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर लो भाई, हमारी में मत करो किसी और में कर लो, अच्छे प्रोडक्ट बेचो यार, कम से कम ये तो सोचो तुम्हारा बाप सीने के 2 बटन खोल के बाजार में निकले कि मेरा बेटा BMW लेकर आया तो दुनिया का भला करके लाया, मर्जी लेकर आया दुनिया का भला करके लाया, ये तो ना कहे तुम हमारे बाप को माँ को लोग अरे तेरे बेटे ने पूरा गांव लूट लिया पूरा शहर लूट लिया, ऐसे घटिया प्रोडक्ट बेचे ऐसे घटिया चीजें बेची जो आज हमारे लोगों के किसी काम की नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तो उन लोगों के लिए मैसेज है भाई, अपनी इज्जत से बड़ा पैसा नहीं होता, अपने माँ बाप के सम्मान से बड़ा सम्मान नहीं होता, तो अच्छी सम्मानित कंपनियों में काम करो, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी, मेरी में मत आओ किसी और में चले जाओ लेकिन अच्छी कंपनियों में जाओ। अब जो लोग 5-6 साल से कामयाब नहीं हुए सर और यहां कामयाब हो गए, तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वहां कामयाब क्यों नहीं हुए यहां कामयाब हो गए, उनमें कोई कमी थी क्या? नहीं, अगर कमी होती तो वहां भी कामयाब नहीं होते, यहां भी नहीं होते, भी नहीं होते। मतलब कमी उनमें नहीं थी, कमी प्लेटफॉर्म में थी, कमी प्रोडक्ट में थी, कमी पे आउट में थी, कंपनी मैनेजमेंट में थी, कंपनी ट्रेनिंग सिस्टम में थी, कंपनी लीडरशिप में थी, वो सारी चीजें उन्हें यहां पर मिली। उनको यहां पर देखो डायरेक्ट सेलिंग में लीडर पैसा कब कमाएगा? जब कस्टमर उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, ना कि नेटवर्कर। कस्टमर, मुझे डायबिटिक प्रॉब्लम है, मुझे प्रोडक्ट से फायदा हुआ, मैंने अपने 4 दोस्तों को बोला भाई डायबिटीज का प्रोडक्ट लेना, असली बेस का ले लो, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। मतलब जो बिजनेस नहीं कर रहा है वो भी हमारा बिजनेस कर रहा है, तभी तो पैसा कमाएगा, तभी तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी, तभी तो। अब क्या हुआ, ना तो मुझे उसे ट्रेनिंग देनी पड़ी, ना 8 स्टेप, ना 12 स्टेप, ना 13 स्टेप, ना कोई मोटिवेशन देना पड़ा, उसको तो पता ही नहीं चला कि डायरेक्ट सेलिंग, तो प्रोडक्ट ही दिया था ना, उसको तो यही नहीं पता डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, प्रोडक्ट ही दिया था ना, और उसने 5 आदमी को प्रोडक्ट बिकवा दिया, लीडर ने पैसे कमाए, हाँ है ना। तो सबसे बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट का, फिर प्रोडक्ट के बाद पे आउट, कि प्रोडक्ट कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर आपको पे आउट अच्छा नहीं मिलेगा तो बेचोगे कैसे, पेट्रोल चाहिए, मोबाइल का बैलेंस चाहिए। फिर होता है मैनेजमेंट, फिर होते हैं टॉप लीडरशिप। तो आज कंपनी की हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसको सल्यूट है मेरा कि वो इतने अच्छे इतने ईमानदार लोग हैं, महिपाल सर जैसे, रामबीर सर जैसे, शिव कुमार जी जैसे, कुणाल जैसे, दलीप जैसे, अमित दुबे, अनुज जैसे अच्छे लोग हैं, कि इन लोगों की जो लीडरशिप है वो लाजवाब रही है, और हमारी कंपनी का केयरिंग नेचर जो है, पता नहीं मैं कितनी केयर आप लोगों की करता हूं वो आप लोग जाने, पर मेरे लिए SLPS का हर एक सदस्य अपने परिवार से बढ़कर है, अपने बच्चों से बढ़कर है। तो कंपनी का केयरिंग नेचर होना चाहिए, यूज एंड थ्रो का सिस्टम नहीं होना चाहिए कि सालों को इस्तेमाल करो, माल कमाओ फिर लात मार दो, वो हम कभी नहीं करते, वो काम हम कभी नहीं करते, ना करते थे। तो ये सारे कारण है सर।